वो कहते हैं ना कि बेसिक वर्क विद गुड एग्जीक्यूशन कैन बी वायरल। पहले माजरत क्योंकि आसपास की आवाज़ें अंदर आ सकती हैं, क्योंकि मैं कोई स्पेशल माइक से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ये मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए माजरत। ओके, ये सेशन एक्चुअली मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसमें मेरे ये सेशन का मकसद मेरी आपसे इंटरेक्शन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप चैनल पे 5 ही वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और उसमें मेरी कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रही और ना ही वो लोगों को पता है कि मैंने मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ और ये मैंने चैनल क्यों बनाया। ये बातें मैं अंदर डिस्कस करूँगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं दूँगा, बस ये कुछ 3-4 पॉइंट्स जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, मूविंग ऑन। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि अबाउट माई सेल्फ। ये काफ़ी लोगों को इवन मेरा नाम नहीं पता, मैं कहाँ से हूँ ये भी नहीं पता। ओके, मेरा नाम है माजिद बदरुल इस्लाम। माजिद, इतना लंबा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कॉल मी बदर और माजिद। और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ओके, और मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से, और मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एज ए UI/UX डिज़ाइनर फाइवर पे। स्क्रीन पे मेरा यूज़र ने मारा होगा और मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को इस फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो कि मुझसे ऑलमोस्ट सबने पूछा है कि आपने चैनल क्यों बनाया, क्या आपको ज़रूरत पेश आई चैनल बनाने की, मतलब क्यों आप इस पंगे में पड़े हो। इस चैनल को बनाने के लिए मैं बहुत पहले से सोच रहा था, ये मेरा माइंड में था कि मैं एक चैनल बनाऊंगा और इस चैनल में मेरा एक शौक छुपा हुआ है, ये शौकिया मैंने चैनल बनाया। तो एक्चुअली मुझे शुरू से ये काम पसंद था कि किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, किसी चीज़ को कोई फ़ोटोग्राफ लेना, कोई वीडियो बनाना, फिर उसको अपने अंदाज से एडिट करना, ये चीज़ मुझे पसंद थी। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैं एडिट करूँ वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म से ज़्यादा प्यारी लगे, ये मेरा मेन मकसद था और ये काम मुझे बहुत पसंद है। इस काम को मैंने फिर काफ़ी मेहनत की, इस पर काफ़ी कुछ मैंने सीखा। अभी फ़िलहाल इनिशियल है, बेसिक है, तो आगे इंशाल्लाह ये और प्रोफेशनल हो जाएगा। तो इस काम और ये मैं चाहता था कि जो मैं चीज़ बनाऊँ, जो मैं चीज़ एडिट करूँ, वो लोग देखें, एक प्लेटफॉर्म पे वो सब देखें और लोग पसंद करें। अब जैसे मैंने एक लास्ट टाइम कुछ वीडियोज़ बनाई थी मैंने, उसमें नॉर्मल शॉर्ट्स है उसके हम नॉर्मल देखते हैं, लेकिन उसको मैंने एडिट किया, उसको फिर उस फॉर्म में लेके आया और वो शॉट अच्छे लगे। तो ये था मेरा मेन मकसद इस चैनल पे काम करने का। वो कहते हैं ना कि बेसिक वर्क विद गुड एग्जीक्यूशन कैन बी वायरल, तो मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया आगे और फिर मैं इसी चीज़ को लेकर आगे इस पर काम कर रहा हूँ और काम करूँगा भी। ठीक है, ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने ये चैनल पर अपना नाम यूज़ क्यों नहीं किया, उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह मेरे दूसरे पॉइंट से रिलेट करेगी, क्योंकि ये टर्म वीडियोग्राफी से रिलेटेड है, सिनेमैटिक से रिलेटेड है, तो मैंने उस टर्म से रिलेट करके ये नाम रखा था। दूसरा पॉइंट ये था कि आजकल हर प्लेटफॉर्म पे, आप फाइबर ले लें, आप फ्रीलांसिंग ले लें, यूट्यूब, 99 डिज़ाइंस, हर एक चीज़ पर आपके काम को देखा जाता है, आपके नाम को नहीं देखा जाता। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि काम किसने किया है, फ़र्क ये पड़ता है कि काम कैसा हुआ है और कैसा लग रहा है। तो मैंने इसी चीज़ को कंसिडर किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मैं ये चाहता था कि लोग मुझे मेरे काम से जाने। काम से अगर लोगों को काम आपका पसंद आता है, उनके लिए काम आपका, उनका दिल करता है काम देखने के लिए, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली उस लेवल तक आ जाता है जहाँ पर आप चाहते हो। तो ये मेरा मेन मकसद था, इस चैनल का नाम मैंने इसलिए अपने नाम से नहीं रखा। और काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका खुद का नाम नहीं है लेकिन वो ग्रो कर चुके हुए हैं, जैसे पाकिस्तान का एक मेन चैनल है P for Pakao, नादिर अली का। अब उसका नाम उसने कहीं यूज़ नहीं किया अपनी यूट्यूब पे, P for Pakao उसका नाम शुरू से था, लेकिन वो अपने काम के लिए जाना चाहता है, वो पाकिस्तान का बड़ा प्रैंकस्टर है, तो वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, उसने अपना ये ज़रूरत नहीं। अब उसके काम को देख कर, अब उसके काम को लेकर लोग पहचान जाते हैं कि हाँ ये वही बंदा है जिसने काम किया है। तो ये पहचान मैं अपनी भी बनाना चाहता था अपने काम के थ्रू। तो ये पॉइंट्स मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं था मिल रहा, और तो आज मैंने वो डिस्कस कर लिया। और आखिरी बात, ये कोई पॉइंट नहीं है ना कोई ये सवाल है, आखिरी बात ये है कि काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि इस चैनल पर अपलोड क्या होगा। सिवाय शॉर्ट फिल्म्स के या सिनेमैटिक्स के। तो इस चैनल पे सिनेमैटिक्स वीडियोस भी आएंगी, शॉर्ट फिल्म्स भी आएंगी, ट्रैवल वीडियोस भी आएंगी, सिनेमैटिक व्लॉग्स भी आएंगे। और ये जो सा मैंने सेशन अभी स्टार्ट किया है ये भी अपलोड होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल को ग्रो करेंगे। अभी मुझे एक 1.5 मंथ ही हुए चैनल बनाए हुए, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आगे भी इंशाल्लाह आप मुझे सपोर्ट करते रहें तो ये चैनल इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा। तो ये सेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मेरे को ये सवाल क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।